हरियाणा में पिछले 2 साल में तकरीबन 17,800 बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया। सरकार द्वारा चलाए गए काफ़ी सारे स्कीम्स और योजना के बावजूद इस समस्या का उठ जाना एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है हरियाणा में। क्या सरकार द्वारा समाज में कमज़ोर वर्ग के बच्चों के लिए अधिक सुविधाएं नहीं हैं या फिर ये देश के आर्थिक समस्याओं के कारण है? हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद HSSP के राज्य सर्वेक्षण द्वारा 7 से 14 आयु वर्ग के लगभग 17,802 स्कूली बच्चों की पहचान की गई है। इसके अलावा उन बच्चों में से अधिकांश प्रवासी मजदूरों और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोगों को संबोधित कराया गया है। इसके साथ ही परिषद ने कई कारणों से पढ़ाई छोड़ चुके चिन्हित बच्चों को वापस लाने का प्रयास भी शुरू कर दिया है। तो उनकी सहायता उनके शिक्षक करते हैं और स्कूल लेवल पे, प्रशासन लेवल पे भी करते हैं, और इसके अलावा स्वयंसेवी संस्थाएं भी हैं जो उनके माता पिता को कन्विंस करती हैं कि वो स्कूल ना छोड़े, अपनी पढ़ाई जारी रखें, और जो भी सहायता हो सकती है आर्थिक रूप से या काउंसलिंग इत्यादि, वो सब भी करवाते हैं। हरियाणा सरकार ने राज्य में मॉडल और सरकारी स्कूल बनाए हैं और लगभग 116 सरकारी स्कूल और खोले जाएंगे जिनकी फीस भी कम है। लगभग 60 छात्रों ने इस योजना से IIT भी पास कर लिया है। एजुकेशन डिपार्टमेंट पंचकुला और CBSE हेड ऑफिस जो पंचकुला में स्थित है, वहाँ जाने के बाद उनकी अथॉरिटीज़ ने हमें किसी भी तरह की बाइट देने से इनकार कर दिया, जिसके कारण उन्होंने हमें बताया कि हम किसी भी अनऑथराइज्ड अथॉरिटी को किसी जानकारी के बारे में जागरूक नहीं कर सकते हैं। हमारे स्कूल में जब बच्चा कोई ड्रॉप आउट होता है, सबसे पहले जब सेशन की शुरुआत होती है अप्रैल में, सबसे पहले सर्वे लिया जाता है जिसमें हम चेक करते हैं कोई बच्चा ड्रॉप आउट तो नहीं है। अगर कोई बच्चा ड्रॉप आउट है तो जो हमारे स्कूल के टीचर्स सर्वे के लिए जाते हैं, वो उनको मोटिवेट करते हैं कि वो स्कूल में आए। स्कूल में अगर वो आते हैं तो उनको स्कूल में अलग अलग तरह की सुविधाएं मिलती हैं। स्कूल छोड़ने का और ना भर्ती होने का एक कारण ये भी था कि कमज़ोर वर्ग के बच्चों के पास लैपटॉप और स्मार्टफोन जैसी सुविधाएँ उपलब्ध नहीं थी। शिक्षा विभाग 5 से 18 साल के छात्र की ट्रैकिंग की एक नई प्रणाली लागू कर रही है। इससे पहले 2021 में CM मनोहर लाल खट्टर ने उन लोगों के लिए मुफ्त शिक्षा की घोषणा की थी जिनके परिवार प्रतिवर्ष 1,80,000 रुपये से कम है। बच्चों को जैसे स्कूल में एडमिशन लेता है, उनका पढ़ाई पे कोई भी खर्चा नहीं होता, उनको यहाँ से किताबें फ्री में मिलती है, स्टेशनरी फ्री मिलती है, इवन जो वर्दी आती है, वर्दी के लिए बच्चों को पैसे मिलते हैं। मतलब यहाँ आने के बाद उनका मतलब कोई भी खर्चा नहीं होता, बिल्कुल निःशुल्क यहाँ पर शिक्षा मिलती है, और टीचर्स भी यहाँ पर इतने अच्छे हैं। अगर घर में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो वो अपने टीचर से आके बात कर सकते हैं, ताकि उनके घर में कोई दिक्कत है तो वो जाके उनके परिवार वालों को समझा सकते हैं। शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है, सरकार भी इस बात पर पूरी सहयोग दे रही है। सुपर 100 जैसी कई स्कीम्स की वजह से बच्चों को एक बहुत बड़ा मंच दिया गया है। माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों को सरकार द्वारा जागरूक किया गया है कि कैसे कमज़ोर वर्ग के बच्चों पर ध्यान दें और उनकी सहायता करें। और तो और, पिछले कई सालों में हरियाणा सरकार द्वारा काफ़ी सारे स्पेशल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स और कोचिंग सेंटर्स बन चुके हैं जो हरियाणा शिक्षा को बढ़ावा देने का एक बहुत अच्छा कदम है। चितकारा न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन प्रणव के साथ मैं अविरल।